शब्दे हमें आसक्त होना है तुझे ना सोहता, शब्दे हमें आसक्त होना है तुझे ना सोहता, शब्दे तू है ही नहीं क्यों व्यर्थ है तू मोहता, शब्दे तू है ही नहीं क्यों व्यर्थ है तू मोहता। शब देह में आसक्त होना है तुझे नहीं सोहता, ये शोभा नहीं देता है। शब देह तू है ही नहीं क्यों व्यर्थ ही है मोहता, बेकार में काहे को मोहित होता है। तो शव देह में ये जीव आया है तो क्या करे, भोला बाबा आगे कहते हैं, शिव शिव रटा कर रात दिन, शिव माही तू मिल जाएगा, शिव शिव रटा कर रात दिन, शिव माही तू मिल जाएगा, संकट सभी कट जाएंगे, आनंद अक्षय पाएगा, संकट सभी कट जाएंगे, आनंद अक्षय पाएगा। शिव शिव रटाकर भगवान का नाम, शिव शिव माने जो गुरु मंत्र हो, जिसका जिसका जो इष्ट मंत्र हो, कोई राम जी के उपासक हो, कोई कृष्ण के उपासक हो, कोई देवी के उपासक हो, कोई सदगुरु के उपासक हो, उनका नाम जपे तो भोला बाबा कहते हैं संकट सभी कट जाएंगे, आनंद अक्षय पाएगा, अक्षय आनंद, जिस आनंद का कभी क्षय न हो ऐसा अक्षय आनंद पाएगा। शिव शिव रटा कर रात दिन, शिव माही तू मिल जाएगा, शिव शिव रटा कर रात दिन, शिव माही तू मिल जाएगा। बहुत कल्याणकारी वचन उन्होंने मानव के कल्याण के लिए कहे हैं। सच्चे संत जो भी बोलते हैं, महापुरुष जो कहते हैं हमारी भलाई के लिए, मूड न समझ पाए तो उसका दुर्भाग्य। रावण नहीं समझ पाया हनुमान जी के कल्याणकारी वचनों को, हनुमान जी ने तो बहुत कहा, हनुमान जी जैसे हनुमान जी बोलने वाले थे। हनुमान जी ने तो बहुत प्यार से कहा था, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध बिसारी। हनुमान जी ने तो बहुत प्यार से कहा था, पर कहां मान पाया वो, उल्टा ही अर्थ लिया हनुमान जी की बात का। उसी प्रकार आज के जमाने में भी कई ऐसे रावण जैसी वृत्ति उससे भी गए बीते, जो जो सदगुरु की बात का कुछ अलग ही मनगढ़ंत अर्थ लगाते। बाकी हनुमान जी ने तो कहा था, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, ये हनुमान जी ने कहा था। नर देह प्रभु ने है दिया गुरु भक्ति करने के लिए, नर देह प्रभु ने है दिया गुरु भक्ति करने के लिए, ना भोग में आसक्त हो बहु बार मरने के लिए, ना भोग सत्य हो बहु बार मरने के लिए, गुरु नाम रटा कर बुद्धि तेरी सूक्ष्मतम हो जाएगी, गुरु नाम
भीष्मतम हो जाएगी। देगी तुझे सो नित्य सुख और आप भी सुख पाएगी। देगी तुझे सो नित्य सुख और आप भी सुख पाएगी। बुद्धि ऐसी पवित्र हो जाएगी तुझे सुख देगी। ऐसे निर्णय लेगा कि भविष्य सुखद हो जाएगा, भविष्य कल्याणकारी हो जाएगा। हनुमान जी की बात रावण ने नहीं मानी, पर हनुमान जी की बात विभीषण ने मान ली। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। बोला बाबा बहुत अच्छे वचन कहते हैं। गुरु नाम सुनकर दूत यम के पास नहीं आएंगे। गुरु नाम सुनकर दूत यम के पास नहीं आएंगे। सुतदार आदिक बंधु गण ना साथ तेरे जाएंगे। सुतदार आदिक बंधु गण ना साथ तेरे आएंगे। नाता निभाया बहुत मर घट माही पहुँचा आएंगे। नाता निभाया बहुत मर घट माही पहुँचा आएंगे। हरि नाम रटा कर हरि तुझे सब भांति से सुख देवेंगे। हरि नाम रटा कर हरि तुझे सब भांति से सुख दे। भगवान का नाम गुरु से लेकर उसका जप किया कर। भोला बाबा कहते हैं वे ही तुझे सदा सुख देंगे। सदा रहने वाले वही हैं, और कौन सदा रहने वाला। लोग बेकार में किसी के शरीर को सदा रहने वाला मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, गोंद का काम करते हैं। मक्खन का काम करो, घी और दूध का काम करो, गोंद का काम चिपकने का नहीं। संत और भगवंत कोई बात समझाते हैं तो बहुत दूर की सोच कर। वो हित की बात बोलते भी हैं, हित की बात सोचते भी हैं, और हमारा हित करते भी हैं। दूषण पर आए देखना अच्छी नहीं ये बात है। दूषण पर आए देखना अच्छी नहीं ये बात है। भोला बाबा कहते हैं छिद्रान्वेषणी वृत्ति अच्छी बात नहीं है। मन में छुपी हुई इस मंत्रा को बाहर निकाल देना चाहिए। जो मंत्रा राम जी में भी दोष देख रही थी, मंत्रा मरी नहीं। आज भी कई लोग मंत्रा को अपने दिल में लेकर घूम रहे हैं। जो प्रजा को गुमराह करते हैं अपनी लेखनी के द्वारा, मैं कहूंगा अखबार की हर बात पर एतबार मत करना। झूठी छपी खबरों को तुम स्वीकार ना करना। सत्य को अफवाह की परवाह होती है नहीं, हकीकत को वाह वाह की चाह होती है नहीं। हकीकत को वाह वाह की चाह नहीं होती, सत्य को अफवाहों की परवाह नहीं होती। मुनाफा नहीं हानि है ऐसा व्यापार ना करना। अखबार की हर बात पर एतबार ना करना। हानि है ये ऐसा व्यापार ना करना। सत्य का तो कोई मूल्य हो सकता नहीं, पाप निंदा तुल्य कोई हो सकता नहीं। झूठ को सच बनाने का कारोबार ना करना। अखबार की हर बात पर एतबार ना करना। दूषण पर आए देखना अच्छी नहीं ये बात है।
भूषण पराए देखना अच्छी नहीं ये बात है। निर्दोष को दोषी बताना क्या भली ये बात है। निर्दोष को दोषी बताना क्या भली ये बात है। सत्संग कर सत शास्त्र पढ़ शुचि सूक्ष्म मति कर लीजिए। सत्संग कर सत शास्त्र पढ़ शुचि सूक्ष्म मति कर लीजिए। सत्संग कर सत शास्त्र पढ़ शुचि माने पवित्र सूक्ष्म मति, अपनी मति को पवित्र भी करें, अपनी मति को सूक्ष्म भी करें। अशुद्ध आहार करने से मति अशुद्ध हो गई और उस अशुद्ध मति के द्वारा अपनी कलम से कुछ लिख दिया तो वो बात कोई सत्य नहीं हो जाती। बनकर विवेकी सत असत का ठीक निर्णय कीजिए। विवेकी बनकर ठीक निर्णय करके कदम आगे रखिए। अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। हो ही उलूक संत निंदा रत। तुलसीदास जी कहते हैं संत की निंदा में जो रत रहता है रोज कुछ ना कुछ लिख दे गलत उल्लू बनता है। तुलसीदास कहते हैं दूसरे जन्म में हो ही उलूक संत निंदा रत। गुड़ बने गुड़ बीजा जन्म में। दूषण पर आए देखना अच्छी नहीं ये बात है। दूषण पर आए देखना अच्छी नहीं ये बात है। निर्दोष को दोषी बताना क्या भली ये बात है। निर्दोष को दोषी बताना क्या भली ये बात है। सत्संग कर सत शास्त्र पढ़ शुचि सूक्ष्म मति कर लीजिए। सत्संग कर सत शास्त्र पढ़ शुचि सूक्ष्म मति कर लीजिए। बन कर विवेकी सत असत का ठीक निर्णय कीजिए। बन कर विवेकी सत असत का ठीक निर्णय कीजिए। ठीक निर्णय करो नहीं तो फिर यमराज भी बराबर निर्णय करेगा। गुरु नानक देव ने कहा है ठीक निर्णय करना। संत का निंदक मां हत्यारा, इतना ही नहीं संत का निंदक मूर्ख बेचारा। संत का निंदक सदा ही है हारा, संत का निंदक रहे बेसहारा। नहुष राजा बिचारा संतों का अपमान किया, सप्त ऋषियों का अजगर बन गया। संत के निंदक का दुर्लभ गुजारा, संत का निंदक फिरे मारा मारा। संत के निंदक की गति नरक गामी, संत का निंदक क्रोधी और कामी। बोला बाबा बहुत सोच समझ कर बहुत कल्याणकारी वचन आगे कहते हैं। वैराग्य करके भोग से गुरु पास जाने के लिए। वैराग्य करके भोग से गुरु पास जाने के लिए। श्रवणादि कर गुरु के निकट निज बोध पाने के लिए। श्रवणादि कर गुरु के निकट निज बोध।
निकट बैठ कर श्रवण आदि कर गुरु के वचनों को। उनके वचनों को सुने और ऐसे सुने जैसे रामकृष्ण के वचन विवेकानंद सुनते थे, रविदास जी के वचन मीरा सुनती थी, मतंग ऋषि के वचन शबरी सुनती थी, गुरु नानक जी के वचन बाला मर्दाना सुनते थे। ऐसे सुने अभ्यास से वैराग्य से मन के मिटाने के लिए, अभ्यास से वैराग्य से मन के मिटाने के लिए, सब वासनाएं क्षीण कर हरि दर्श पाने के लिए, सब वासनाएं क्षीण कर हरि दर्श पाने के लिए, सब वासनाएं क्षीण कर हरि दर्श पाने के लिए, सब वासनाएं क्षीण कर हरि दर्श पाने के लिए, सब वासनाएं क्षीण कर हरि दर्श पाने के लिए।